आज हम ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश और आज 50 साल पूरे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड डे है, खुशी का माहौल है उत्सव की तरह। और सबसे खुशी की बात है कि स्टेट के 50 ईयर सेलिब्रेशंस के ब्रांड एम्बेसडर हम सबके चाहते कलाकार संजय दत्त आज हमारे बीच में हैं। संजू आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल। मेचुका में लॉन्च हुआ 50 साल सेलिब्रेशंस का जी, और उत्साह आपने देखा था कितने लोग आए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अरुणाचल के साथ जुड़ना और ब्रांड बतौर ब्रांड एम्बेसडर आपको कैसा लग रहा है और आज डे टू डे कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है राहुल भाई। अभी ये पहली टाइम था आपकी वजह से मैं मेचुका आया, अरुणाचल प्रदेश आया, और इतनी खूबसूरत जगह और इतने प्यारे लोग यहाँ मिले। और बस मेरे दिमाग में एक ही चीज, आप मुझे एयरपोर्ट लेने आए तब से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और आप साथ हैं और यहाँ के लोग साथ हैं, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे होटल्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये सब होना बहुत जरूरी है फॉर एवरीथिंग जी। इट शुड नॉट बी जस्ट अ सिक्योर्ड पार्ट ऑफ इंडिया, इट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ शूटिंग हो, टूरिज्म हो, यू नो, ऐसा होना चाहिए। पीपल शुड नो अबाउट अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल। और आपके जुड़ने के साथ अरुणाचल प्रदेश और ये जब खबर पूरे विश्व में फैली और आपके पास भी फीडबैक पहुंच रहा होगा, बट मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और फख्र महसूस हो रहा कि पूरे वर्ल्ड से मैसेजेस आ रहे हैं और लोग आना चाह रहे हैं। अभी तो खैर कोविड का माहौल है और आई एम श्योर आगे जाके होगा, तो बहुत फर्क ऑलरेडी पड़ गया। मुझे लगता है कि जो आपका सुझाव है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और बाकी सुविधाओं को लेके, ये 100% होंगे। फिल्म इंक्वायरीज बढ़ गई हैं, लोग यहाँ आना चाह रहे हैं। उस कैंपेन जो हमने करी, उस कैंपेन को देख के लोगों ने कहा कि विश्व में सबसे सुंदर जगह तो अरुणाचल प्रदेश है, तो बहुत फर्क पड़ा। यहाँ के यूथ आपको बहुत आइडियलाइज करते हैं जैसे कि बाकी जगहों पे। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं आपके साथ बहुत जगह घुमा हूँ विश्व में, अलग अलग जगहों पे, आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। लेकिन यूथ ने जिस तरह से आपका स्वागत किया मेचुका में, वो भी एक ऐसा प्रांत जो थोड़ा दूर है, और वहां पे लोगों ने जिस तरह से आपका स्वागत किया और आपका मैसेज स्पेशली ड्रग्स को लेके कि ड्रग्स से दूर रहो, तो ये मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी और जो अभी करंट अनफॉर्चुनेटली ये मेनेस है, जो कि बहुत बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है, और आपने सबको वहां पे कहा कि जो ड्रग्स से दूर रहेगा उसको जादू की चप्पी मिलेगी। बिल्कुल। तो आपका करंट अब्यूजर्स जो है अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा ड्रग्स को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल जी के ये जो करंट अब्यूजर्स हैं उनको लोग एज अ टैबू ना देखें। एक ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, और ये हर यूजर पे रहता है, एक हर इंसान पे रहता है। अगर वो सोचेगा अगर नहीं, तो फिर इतना उसमें दम और हौसला होना चाहिए कि वो ना, मतलब ना। और मैं यही यंगस्टर से और यूथ से और जो नौजवान है हमारे देश के, उनसे यही कहता हूँ कि अगर मैं ना कह सकता था तो कोई भी ना कह सकता है। और जो जो नशा जिंदगी का है, जो नशा फैमिली का है, और जो नशा काम में आता है और मिलता है जी, वो ये ड्रग से कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल। आपकी आपकी जीवन और आपकी स्ट्रगल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, स्पेशली फिल्म जो आप पे आधारित थी आपकी जीवनी पे। संजू हम सबने बहुत सराहा उस फिल्म को, और उसमें मुझे लगता है जो ट्रायंफ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट है कि जिस तरह से चैलेंजेस हुए और आप उभर कर बाहर निकले, उसी वजह से लोगों ने इतना पसंद किया। संजू भाई, फैमिली बहुत अफेक्ट होती है, आई एम श्योर दत्त साहब और आपका पूरा परिवार भी बहुत दिक्कतों से गुजरा होगा उस वक्त, तो आप फैमिलीज को क्या बोलना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई थिंक वो जो अगर कोई लड़का आपका या जो लड़की हो अगर ड्रग्स पे है, तो उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। हमें खुल के बोलिए कि हाँ ये ड्रग्स पे है, इसको प्रॉब्लम है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है जी, और उसको प्लीज आप डांटिए मत, उसको
ये सब मत कीजिए, क्योंकि एक चीज होती है टफ लव, वो भी जरूरी है, लेकिन एक प्यार से एक फैमिली सपोर्ट। अभी देखेंगे, जैसे कि अभी मुझे कैंसर हुआ, पूरे इंडिया को पूरी दुनिया को मारूंगा, तो मेरे फैमिली का सपोर्ट था, आप थे मेरे साथ हमेशा, बिट्टू भाई थे, मेरी फैमिली थी, तो एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो मतलब ब्लेम ना करें उसको, आप क्रिटिकल वे में ना देखें, सपोर्ट बहुत सपोर्ट कीजिए। मतलब ये एक बीमारी है, जैसे कि कोविड है, वैसे यही ड्रग अब्यूज एक बीमारी है। जी जी, तो उसको आप सपोर्ट करके उसको ठीक कीजिए। आपकी यहाँ पे इंटरेक्शन रही माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, वेरी डायनामिक चीफ मिनिस्टर, प्रशांत दौरजी जी जो यहाँ के असेंबली स्पीकर और सीनियर नेता हैं, और बाकी मंत्रीगण और यहाँ के लोग, आपको कैसा लगा यहाँ पे गवर्नेंस को लेके, और जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत रुचि लेकर चीजों को देखा और समझा, तो उनका रवैया लोगों की तरफ, और आपको क्या लगता है उनके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, डायनामिक ऑनरेबल सीएम है, डायनामिक स्पीकर साहब है और मंत्रीगण है, और मुझे पता है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये करेंगे, कि किस तरह अरुणाचल प्रदेश को आगे लिया जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें कोशिश करनी चाहिए हम सबको, और आपकी मदद से कि हम यहाँ पे एक फिल्म सेट करें जी, जल्द से जल्द, जिसमें आप रहें, तो क्योंकि आप ज्यादा वक्त यहाँ पे बिताएंगे, लोगों को और उत्साह मिलेगा कि यहाँ पे आए शूट करें, तो आपको और मुझे कम से कम एक फिल्म तो यहाँ पे सेट कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो उसके ऊपर हम लगते हैं, और जादू की जबकि आज स्टेडियम में बहुत सारे लोग लेने के लिए तैयार हैं, और हमको वहां चलना चाहिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, एंड यू नो वी ऑल लव यू, द पीपल ऑफ अरुणाचल लव यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप सभी अरुणाचल प्रदेश जो नहीं आए वो प्लीज प्लान कीजिए, आइए, बहुत खूबसूरत प्रांत है, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की हवा, यहाँ की फिजा आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो ब्रदर, हेलो बाबा, इस बार कहाँ जाएं हम लोग वेकेशन के लिए? यू टेल मी, न्यू डेस्टिनेशन अनएक्सप्लोर्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, देन व्हाई नॉट कम टू अरुणाचल? इंटरनेशनल सोच रहा था। अरुणाचल इज बेटर ब्रदर, मिस्टीरियस एंड मैजिकल। एग्जैक्टली, गेट ऑन अ वीडियो कॉल। Amazing, brother.